सौदा फैक्ट टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लगातार आपको दिखा रहे हैं डेरा सच्चा सौदा के अंदर की कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं। आज फिर से पहुंचे थे हम सर्वे के लिए और यहाँ पर आने वाले लोगों से हम लगातार बातचीत करके जानते हैं क्यों आज भी है डेरा सच्चा सौदा के अंदर जुड़े हुए हैं। नमस्कार मैम। मैम आपका गुड नेम? सीमा। मैम कहाँ से आए हो आप? जयपुर से। जयपुर। कितने टाइम से डेरा सच्चा सौदा के अंदर जुड़े हुए हो? 15-16 साल हो गए। 15-16 सालों से आप डेरा सच्चा सौदा के अंदर आ रहे हो। कभी आपके साथ कुछ गलत हुआ है यहाँ पे? कुछ ही गलत नहीं हुआ, कभी हुआ ही नहीं। पिताजी की दया मेरे, ऐसी दया मेरे कि कभी होना भी होता है तो कभी गलत नहीं हुआ, अच्छा ही हुआ है। आज तक हमारे साथ कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ और आज जो कुछ भी हम पिताजी के वजह से ही है, सही सलामत है। जैसा भी है सब पिताजी की दया मेरे से नहीं। हमारे तो बहुत परेशानी है, बहुत दुख तकलीफ थी बचने की, ऐसी मेरे तो बहुत बीमार रहती थी, मगर पिताजी की दया मेरे से आज मैं जिंदा हूँ और सही सलामत हूँ। बहुत मदद करते हैं, हर जगह मदद करते हैं पिताजी, इतने उपकार है पिताजी के गिनाए नहीं जा सकते। मैम आपका कहना है कि आप 18-20 सालों से डेरा सच्चा सौदा के अंदर आ रहे हो, आपने कभी कुछ गलत होते हुए देखा होगा? कभी गलत होते हो, कभी कुछ नहीं देखा, कभी सोच भी नहीं सकता इसके लिए, क्योंकि डेरे में कुछ गलत हो सकता है। सब झूठी बातें, ये गलत चीज़ें नाम लगाते हैं, ये सब गलत है, सब झूठा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। डेरा जैसी पवित्र चीज़ और सच्ची चीज़ कहीं नहीं मिलेगी दुनिया में, और दुनिया के सुप्रीम पावर है पिताजी, ऐसे हैं डेरा के सच्चे सौदा के कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। भगवान भी कुछ फीके इनके आगे, पिताजी के आगे ये देख लो, पिताजी है स्कूल मालिक सबके, दुनिया के सबके रक्षा करने वाले, सबकी मदद करने वाले, आज जो कुछ भी है सब पिताजी की वजह से है। हम तो मैम संत जी ने समाज के लिए क्या किया? संत जी ने इतने समाज में इतने कार्य किए हैं कि कभी गिना ही नहीं जा सकते, इतने कार्य किए। अनाथ आश्रम खोले, वृद्धाश्रम खोले, अनाथ बच्चों को रखना, गौशाला, भूखों को खाना खिलाना, जिनके माँ बाप नहीं तो उनको रखना, कई मतलब ऐसे कार्य हैं जो गिनते नहीं करा सकते, मतलब उनके कार्यों का कोई तोड़ ही नहीं है, कुछ भी कोई जवाब नहीं दे सकता, मतलब उनके इतने कार्य कराए रखे उन्होंने, कोई बताने अनुमान नहीं लगा सकता उनके कार्यों को, इतने कार्य कर रखे हैं पिताजी ने। मैम आप सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तो ऐसे कहूँगी भाई जल्दी से जल्दी हमारे पिताजी ने बाईजत बरियों का जो साफ सुथरे सच्चे बन के आए बाहर, ये जो नाम लगाए ना सब झूठे, सब आरोप झूठे हैं, बिल्कुल साफ सुथरे होकर सच्चे बन के ईमानदारी, मतलब सब आरोप हट गलत है, सब आरोप हट के और ईमानदारी से हमारे पिताजी सच्चे बाहर आ जाए, सब चीज़ें झूठी करके आए। तो दोस्तों ये रियल फैक्ट, इनकी एक ही मांग है कि संत जी परमानेंट के लिए बाहर आने चाहिए। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। देखते रहिए द फैक्ट आई। बहुत बहुत धन्यवाद।